और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, उसको नहीं बदला जाएगा, उस बात को आप मानते नहीं हो या क्या विचार है आपका? नहीं सर, उनको तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि आज वो क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा, जो कामगारों के लिए एक विधेयक था, कायदा था, उसको कंपनी को उन्होंने टर्न ओवर कर दिया, क्योंकि अभी वो जो कंपनी में जो कामगार रहने वाले थे उनके जो लिए नियम था, उनका नियम हटा के वो कंपनी के हाथों में दे दिया, और कंपनी कभी भी उनको निकाल सकती है, ऐसा कायदा आप बना हाँ दिया। हाँ मैं भी घबराया था मरने की डर से, लेकिन कोरोना से भी ज्यादा डर अब इस कानून का मुझे लग रहा है कि अगर मेरी जमीन मेरी अगली पीढ़ी के नाम से अगर नहीं रहेगी। देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए धंधा करता है, ये सरकार नहीं है। सरकार जो ज्यादा कमाता है उसके पास से 2 पैसे लेकर गरीबों में बांटता है, गरीबों को सहूलियत देता है। ये अमीरों की पार्टी है और अमीरों की पार्टी ही रहेगी, ये छोटे छोटे किसानों छोटे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। इस अध्यादेश से तो किसान को खत्म करने के ऊपर तुलना दिए, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सारे खत्म हो जाएंगे जिससे। तो और करेंगे क्या अगर ये खत्म हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये? बर्बाद करेंगे जिसको, कारपोरेट का हाथों बेच देंगे जी सारे सिस्टम को, सारा अंबानी अडानी हार के हाथ में दे देंगे जी सारे सिस्टम को। हाँ मजदूरी कराओगे जी फिर किसानों के पास, जो अंग्रेजों का जो राज था वो राज आ जाएगा जी वापिस, इस देश को बर्बाद कर देंगे जी। हर चीज का निजीकरण करने लग रहे हैं, हर चीज को बेचने लग रहे हैं, एयरपोर्ट है उनको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, छोड़ नहीं रहे जी किसी चीज को। जो व्यापारी है कुछ हमको एडवांस पैसा कुछ काम पड़ता था तो लेते थे, अब पैसा भी देना बंद कर दिए कि हम धान नहीं लेंगे, गेहूं नहीं लेंगे, तो हम पैसा कैसे देंगे।